नमस्कार, मैं हूं अर्चना यादव और आप देख रहे हैं उत्तम न्यूज़। मैं आज एक ऐतिहासिक जगह पर आई हूं। आप पीछे देख रहे हैं, एक घर आपको दिख रहा होगा, लेकिन ये इतिहास से जुड़ा हुआ घर है, क्योंकि 1941 में यहीं इसी घर में सुभाष चंद्र बोस जी ने एक रात बिताई थी। इसके बाद वो गोमो स्टेशन से ट्रेन पकड़े, उसके बाद फिर वो गुमनाम हो गए। ऐसा कहते हैं कि ब्रिटिश भारत में सुभाष चंद्र बोस के रूप में इसी घर में उनकी आखिरी रात थी। इसी कुएं से उन्होंने जल पिया था। इसके बारे में और भी हम जानकारी लेंगे। मैं साथ में अंकल जी है, इनसे हम बात करेंगे, क्योंकि ये इन्हीं का घर है। इतिहास से कैसे जुड़ा हुआ है, ऐतिहासिक मतलब कि जो आज़ादी की लड़ाई भारत की थी उससे इसका खासा कनेक्शन है इस घर का। तो बहुत बहुत स्वागत है मेरी वीडियो में आपका। नमस्ते, क्या नाम है सर आपका? पार्थ सेन गुप्ता हमारे नाम है। अच्छा, तो इतिहास से जुड़ा हुआ है कि यहाँ से सुभाष चंद्र बोस का नाम जुड़ा हुआ है, कहानी क्या है उसको थोड़ा सा बताइए। जब आज़ादी के समय था, उस समय जब देश आज़ादी के लड़ाई जब लड़ रहे थे, उस समय नेताजी सुभाष चंद्र बोस हमारे यहाँ आए थे। तो आने के बाद वो सबसे पहले हमारे दादाजी के संपर्क में आए थे। अच्छा। उस समय फॉरवर्ड ब्लॉक दादाजी करते थे, तो दादाजी के संपर्क में आने के बाद यहाँ पर सबसे पहले हमारे धनबाद कोयला क्षेत्र में सबसे पहले ट्रेड यूनियन का फॉर्म हुआ था, जो दादाजी किए थे। सचिव जो थे, तो सचिव इसको बनाया गया था दादाजी को, और प्रेसिडेंट जो अध्यक्ष जो थे वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को ही बनाए गए थे। तो उसी सिलसिले में आए थे, तो धनबाद में सबसे पहले ट्रेड यूनियन फॉर्म यहीं से हुआ था। हमारे दादाजी का नाम है सत्यम विमल सेन गुप्ता, जिसे सत्य बाबू के नाम से सब जानते हैं। उस समय बरारी में भी आए हुए थे, FRI में भी आए हुए थे। तो नेताजी कुछ जगह जो अंग्रेजों के खिलाफ भारतीयों को जो स्वतंत्रता सेनानी है या फिर जो देश के लिए जो लड़ रहे थे उन लोग के साथ गुप्त मीटिंग सभाएं करते थे, तो छिप छिप के करते थे। तो उस सिलसिले से यहाँ आए थे, तो उस समय हमारे घर में एक रात उनका ठहरे हुए थे। तो आना था, तो यहाँ पर आके वो ठहरे हुए थे। अच्छा, इतना ऐतिहासिक जगह है ये, आज़ादी की लड़ाई से जुड़ा हुआ है, और आप लोगों को सरकार से मतलब मिलता भी है, जैसे कि इसको हेरिटेज बना देते हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें होती है उसको हेरिटेज बना देते हैं, तो ऐसा कुछ भी है? कोई सुविधा नहीं, कुछ भी नहीं, कोई सुविधा नहीं। अच्छा, एक सवाल हमेशा से रहता है कि सुभाष चंद्र बोस जी गर्म दल के थे और गांधी जी नरम दल के थे, सत्य अहिंसा कहते हैं कि उन्हीं की वजह से देश आज़ाद हुआ है, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? वो तो हमेशा चाहते थे कि मजदूरों का जो हक है, सही हक, उसको मिलना चाहिए। सुभाष चंद्र इसके लिए आदमी को नरमी से, एक कहावत है, अगर किसी को चीज़ अगर नरमी से अगर नहीं मिलता है तो उसे अपना हक लड़के लेना चाहिए। नेताजी का यही कहना था कि अगर आपको मजदूरों का हक अगर सही तरह अगर नहीं मिलता है तो आप लड़के लीजिए। ये जो जोड़ापुकुर थाना जो आज आप देख रहे हैं, इस जोड़ापुकुर थाना में नेताजी सुभाष चंद्र बोस आके एक दिन सभा भी किए थे। तो सभा में वो ब्रिटिश ज़माने में सोचिए कितने निर्भीक और कितने निडर हैं प्रकृति के, मैंने व्यक्तित्व के आदमी थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जो इस मंच में खड़े होकर, उस समय तो माइक का सुविधा नहीं था, टीना का जो चोंगा था उसी चोंगा में है लोग लेके बातचीत करते थे। उस समय नेताजी सुभाष चंद्र बोस ब्रिटिश पीरियड में आके इसी जोड़ापुर थाने में ही बोले थे, अगर ब्रिटिश हमारे देश से अगर नहीं जाते तो हम उसे लात मार कर भगाएंगे। तो इतने बड़े साहस हैं कौन रख सकता है, वो गर्म दल के ही आदमी जो है, जो है भी उनका गर्म दल के थे, इस तरह से उन्होंने किया भी और आजाद हिंद फौज बनाई, इसके कारण जो है कि कहते हैं कि आज़ादी कहीं ना कहीं उनका बड़ा हाथ, कुछ लोग कहते हैं अब कहते हैं, लेकिन गांधी जी वाले जो है कि ज़्यादा समर्थक है, उनको जो है कि सुख सुविधा भी काफ़ी मिली है। अगर आप जो है कि सुभाष चंद्र बोस के पक्षधर है तो आपको भी देखा जा रहा है कि इस तरह की सुख सुविधाएं नहीं मिल रही है, जानते हैं, इसीलिए तो सुभाष चंद्र बोस से तो गांधी जी का मतभेद हो गया था। हाँ, इसीलिए मतभेद हो गया था। तो पहले सुभाष चंद्र बोस गांधी जी का सम्मान करते थे, सब ये करते थे, लेकिन कुछ जगह उनके मत का वो विरोध होने के कारण वो क्या किए, वो हट गए हैं उनके विचारों से। गांधी जी का विचार शायद कहीं कुछ जगह वो नहीं मिलते थे, जिसके कारण वो कांग्रेस से वो हट गए, हट के वो अपना आज़ाद हिंद फौज है, कुछ विचार नहीं मिले इसके कारण। हाँ, विचार नहीं मिलने के कारण, जैसे किसी लोग का विचार दूसरे लोगों के विचार से मिल सकता भी है, नहीं भी मिल सकता है, अगर नहीं मिलता तो वो अपने आप को उससे वो अलग कर लेते हैं, वो अपने विचार धारा में ही वो चलते हैं। तो इसीलिए अपने दल को, अपने विचारधारा को वो लोगों के बीच में लाएं और लाके वो अपने आंदोलन को आगे बढ़ाएं, यही उनके विचारधारा थे। यहाँ पर ये है, यहाँ पे झरिया में धनबाद में काम करते, क्या नाम हुआ आपका? जयराम यादव।
यहाँ पे जो आप ड्यूटी करते हैं, हाँ, तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये सारी चीजें आपने भी देखी है और आजादी के समय का बहुत बड़ा योगदान इस एरिया का है खास करके, तो क्या क्या कहना चाहेंगे इस पे? ना इसमें तो बहुत है, पहले छोटी छोटी कंपनियां थी, प्राइवेट कंपनियां कोयला के खादान चलाती थी, मड़वारी लोग चलाते थे, तो बहुत शोषण था ड्यूटी। तो इसके लिए फिर कुछ लोगों ने ट्रेड यूनियन जो होता है कंपनी, जो कंपनी का यूनियन होता है मजदूर श्रमिक, हाँ, तो ये शुरुआत किए थे, ये टिस्को से ही शुरुआत किए थे ये लोग, लेकिन धीरे 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 आज कई छोटे ट्रेड यूनियन कंपनी चल रही है यहाँ पर, सरकार चल रही है ट्रेड यूनियन का। तो मजदूर के साथ जो अन्याय होता था, ज़्यादा से ज़्यादा ड्यूटी लेना, कम पैसा देना, शोषण करना, मारपीट करना, 8 घंटा के अलावा 12 घंटा, 14 घंटा, 20 घंटा तक ड्यूटी लेना, तो उसी के खिलाफ में यहाँ पर एक छोटे ट्रेड यूनियन का स्थापना हुआ था, जिसमें इनके दादाजी और लोग थे। तो हुआ, आज भी हम लोग का चल रहा है, इंटक टाटा कंपनी में IN2C है, इंटक है। अभी बदल गया, जब से राजेंद्र सिंह जब डेथ कर गए तो कुछ नाम उसका चेंज हुआ, नंबर सही याद नहीं आ रहा है। तो ये सब हुआ मजदूरों के मैंने अच्छाई भलाई के लिए। और जहाँ रह गया कि महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस में, तो दोनों के बिना आज़ादी नहीं मिल सकता था, उनका अलग काम था, इनका अलग काम था, दोनों के विचारधारे अलग अलग थे, विचारधारे भी अलग थे, जरूरतपंथी थे, तो विचारधारे ना मिलने के कारण सुभाष चंद्र बोस अलग हो गए थे, फिर अपना अलग, जरूरत भी अलग थी। खाली महात्मा गांधी की वजह से आज़ादी मिलना वो भी असंभव था, और खाली सुभाष चंद्र बोस के चलते आज़ादी का मैंने 75% जो है आज़ादी अगर हम सोचते हैं तो ये सुभाष चंद्र बोस की वजह से मिली है, और 25% गांधी जी का नाम कुछ ज़्यादा ही होता है जिसके साथ में लोग थे। अभी सुभाष चंद्र बोस जी जब उनका 42 में ना जो जहाज क्रेश का नाम आता है, 42 में आता है ना, उसके बाद जो आज़ाद हिंद फौज बनाए थे तो उस पर अंग्रेज भारी पड़ गए, और उनका जो है देखभाल करने वाला कोई नहीं रहा, उन लोग के साथ अंग्रेज बहुत ही अत्याचार किए थे जो कि उजागर नहीं हुआ है। और आज़ादी तो 46 में मिलने वाली थी, 46 में पता चल गया था कि अब आज़ादी मिलेगी। उसके बाद जो है जो पत्र थे उस समय के साहित्यकार थे, लेखक थे, सब एक एक पक्षधर के लिखे और वही सब पढ़े, वही सब जाने, पढ़ा लिखा आदमी कम थे, जो कहते गए वही सब सुनते गया, इसलिए सब महात्मा गांधी आज़ादी दिए, कांग्रेस आज़ादी दिया, ये सब होते रहा। फिर धीरे धीरे लोगों में जागृति आई, पढ़ाई आई, शिक्षा आई, खोजबीन हुआ कैसे आज़ादी मिली, तब पता चला कि नहीं इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हाथ जो है सुभाष चंद्र बोस की वजह से, चीज़ें अब सामने आती हैं, अब सामने धीरे धीरे जब सब लोग जानने लगे, पढ़ने लगे, उसके बारे में खोजने लगे, सत्ता भी परिवर्तन हुआ, सत्ता की वजह से भी कुछ मालूम होने लगा कि नहीं कांग्रेसियों से नहीं, मैंने उनका भी योगदान है लेकिन ज़्यादा करके आज़ाद हिंद फौज से ही जो है अंग्रेज जो है डरे, जो जर्मनी से लेकर के या जापान से लेकर के सिंगापुर से होते हुए अंडमान निकोबार बर्मा होते हुए जब भारत में पहुंचे और सुभाष चंद्र बोस जी नारा दिए कि दिल्ली दूर नहीं, दिल्ली चलो। और उसके बाद फिर जब क्रैश हो गया जहाज, उसमें सुभाष चंद्र बोस जी नहीं रहे, फिर अंग्रेजों ने भारी पड़ गया, लेकिन फिर भी उतना भारी नहीं पड़े, उनको आज़ादी देना पड़ा। अच्छा, ये चीज़ें लोग कहते हैं कि क्रैश हो गए वो उसी में एक्सपायर हो गए, लेकिन अभी अयोध्या में हम लोग गए थे, अयोध्या का दिखा रहे थे, तो वहाँ पे एक गुमनामी बाबा की समाधि थी जहाँ पे लोग कहते हैं कि सुभाष चंद्र बोस की समाधि है, तो बहुत से लोग हैं लेकिन कोई प्रत्यक्ष प्रमाण अभी तक नहीं सरकार दे सकी है, इसका क्रैश का भी तो प्रमाण नहीं है, ठोस प्रमाण नहीं है, जो वास्तव में उसका प्लेन क्रैश हुआ था या नहीं हुआ था, या फिर जो गुमनामी बाबा का जो जिंदगी जो है जो बोल रहे हैं अयोध्या में जो पाया गया था वो भी सही है कि नहीं है, इस विषय में भी चर्चा, इस विषय में भी अभी छानबीन हो रहा है, इसका भी है, वहाँ पर भी कलश में बोला कि यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस की अस्थियां रखी हुई है, लेकिन उसका भी अभी तक कोई प्रमाण नहीं मिला कि कौन चीज सही है क्या गलत। अच्छा, है क्या ये सही, कुछ चीजें होती है कि जो सरकार रहती है उसको खोजबीन कर लेती है, अगर उसका इम्पोर्टेंस ज्यादा समझती है, क्या लगता है आपको कि सुभाष चंद्र बोस का जो है कि इम्पोर्टेंस नहीं समझी उस समय की गवर्नमेंट?
इसकी वजह से उसका छानबीन नहीं किया कि वास्तव में एक्सपायर हुए हैं उस प्लेन में या फिर नहीं हुए हैं। तक देखिए अभी जो हमारे जो वर्तमान सरकार है तो वर्तमान सरकार नेताजी से जुड़े हुए कुछ फाइल को खोले थे, इसके विषय में भी अभी चर्चा हो रहा है, इसके विषय में भी छानबीन हो रही है। लेकिन हो सकता है कि उस समय इन लोग गौर नहीं किया था, उस समय इन फाइलों को नहीं खोला गया था, जवाहरलाल नेहरू की सरकार थी, हाँ इस समय नहीं खोला गया था, इस जिसके कारण लोगों को ये जानकारी नहीं मिली। अब धीरे धीरे सरकार एक एक करके फाइल खोल रही है, उस पर छानबीन हो रहा है, चाहे होने के बाद हम लोग किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं, ये हम लोग का आशा है। उस समय तो कुछ फाइलें इधर उधर गायब हो गई, इधर उधर लिखा जो लिखने वाले भी थे हमेशा सरकार के ही साथ में लिखने वाले भी रहते हैं उस समय के भी, चाहे कोई भी हो, ज़्यादा करके ऊंच जात के लोग ही लेखन में सक्रिय थे और वो लोग ज़्यादा करके महत्व दिए कांग्रेस पार्टी एंड अन्य लोगों को, तो ज़्यादा करके अब फिर जो सुनते गया आदमी, पहले तो पढ़ा लिखा कम था, सुनने वाला ज़्यादा था, कि सुन करके हम भी 84 जब आए तो सुन करके कि यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस एक रात आए थे रहे थे, लेकिन धीरे 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 फिर भुलाते भुलाते भुला जाता है आदमी, बहुत दिन हो गया 84। यहाँ बहुत जगह सुभाष चंद्र बोस का ये है, जैसे मान लीजिए आपको ये FRI चले जाइए, हाँ FRI में जो वहाँ जो एक BSNL का जो ऑफिस था, FRI ऑफिस के बगल में, तो उसका पीछे एक लाल बंगला था, उस बंगला में भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस कुछ क्षण के लिए ठहरे हुए थे। फिर आपको 2 नंबर में ये जो टिस्को जहाँ ये है ऑफिस है, वहाँ 2 नंबर में कोई एक चाय गुमटी में वो बैठ के चाय भी पिए थे। तो बहुत जगह नेताजी का पद धूली यानी पैर का चिन्ह काफी जगह में पड़ा, धनबाद में काफी पड़ा हुआ है, बहुत सारी जगह, ये भी बिझरिया में बहुत सारी जगह आए थे, जिसका ठोस मुझे मालूम नहीं, जो जो मालूम है मैं आपको बताया। इसकी देन है कि यहाँ इनके दादाजी ट्रेड यूनियन के उस समय माने ट्रेड यूनियन कैसे यहाँ पर स्थापित किया जाए उसमें उस सक्रिय भूमिका निभा रहे थे, उसके वजह से वो उनके संपर्क से यहाँ पर आए, और यहाँ पर आए तो छोटे छोटे लोग कई जगह कई लोग थे तो उनसे संपर्क किए, उनके साथ में बातचीत किए, उनके साथ में रहे एक रात दो रात चार रात, फिर यहाँ से निकले और गोमो तक, आदमी जानता है कि गोमो में बैठे ट्रेन पर कौन ट्रेन पर, उसके भतीजे गोमो तक ही ले गए थे, उसके बाद वो ट्रेन में चढ़ के वो जो चले गए उसके बाद जो गायब हो गए, फिर पता चला कि जर्मनी में गए हैं और हिटलर से भेंट किए, और वहाँ से फिर फौज जो भारतीय फौज थी जो अंग्रेजों के साथ लड़ती थी, आईएनए इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया था, उसके बाद वहाँ से वो डायरेक्ट सिंगापुर होते हुए मणिपुर इम्फाल आए थे, वहाँ पर जापान में तो थे ही, जापान सिंगापुर गए, सिंगापुर से फिर आए अंडमान निकोबार ने बर्मा होते हुए, अंडमान निकोबार भी गए थे, फिर बर्मा होते हुए थल से जुड़ा हुआ है ना, अंडमान निकोबार तो समुद्र से जुड़ा हुआ है, फिर बर्मा होते हुए फिर आए, और उसके बाद फिर कब जहाज पर बैठे, इम्फाल में भी थे, वहाँ भी आजादी जहाज से भारत में वापस वो आ चुके थे, तो दोबारा प्लेन में कब बैठे थे, क्रैश हुआ था, उसके बारे में कुछ जानकारी आपको? ना ऐसे तो ठोस जानकारी मेरा तो नहीं है, तो ये भी मतलब कि उड़ती अफवाह है कि वो गुमनामी की जिंदगी जब अपना लिए तो लोग बोले कि किसी प्लेन में बैठे होंगे और वो क्रैश कर गया, बस ये ऐसा अनुमान लगा रहे हैं, अनुमान किया गया, लेकिन इसका कोई ठोस प्रमाण अभी तक नहीं दे पा रही, क्योंकि जब चीजें लोग कह रहे हैं कि वो आए वहाँ से और इस तरह से भारत में फिर आए और आजाद हिंद फौज का निर्माण किया और कहे कि दिल्ली दूर नहीं, दिल्ली चलो, तो फिर वो आजाद हिंद का फौज का निर्माण जो है ना, जब भारत के आदमी जो है अंग्रेजों के तरफ से लड़ रहे थे, अंग्रेजों के जर्मनी खिलाफ लड़ने गए थे, वो लोग जर्मनी में वो लोग को मैंने पकड़ अरेस्ट कर लिया, हिटलर पकड़ लिया, और हिटलर जो एठो गैस चैम्बर बनाया था उसी में सबको ढुका के मार देता था, तब सुभाष चंद्र बोस जाके उन हिंदुस्तानी सैनिकों को हिटलर से छुड़ा करके ले आए कि हम इसको इन सैनिकों को अंग्रेजों के खिलाफ में खड़ा लड़ाएंगे, फिर उनको देखा हिटलर देखा तब फिर वही हिटलर ही नेताजी से हिटलर के विचारधारा कुछ हद तक मिलता जुलता था, जो है हिटलर उसे पसंद भी किए थे और इस तरह वो संपर्क में आए थे हिटलर से, और वहाँ फिर वो अपना गठन किए थे, अपना माने जो संगठन था उसको मजबूत बनाए, उसका मतलब वो धीरे 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 भारत की ओर कुछ किए, सुभाष चंद्र बोस जापान लेके गए, हिटलर से जापान का उस समय मैत्री था, तो हिटलर कहने पर उन सैनिकों को जापान ले गए, जापान उनको ट्रेनिंग दिया, फिर ट्रेनिंग दे करके ले करके फिर वहाँ से वो चले बर्मा के रास्ते
हिंदुस्तान में घुसे और उसके बाद कब क्या परिस्थिति आया, किस तरह का कि जहाज पर बैठना पड़ा न, क्या हुआ, कैसे हुआ, ये इतिहास में गुम हो गए, गुमनामी बाबा के साथ में गुम हो गई, बतिए ये बात जो है गुम हो गई, इसके बाद पता नहीं चला। ये कोई ठोस सबूत नहीं है जिसके कारण कोई लोग खुल के बोल नहीं सकता है कि वास्तव में क्या है क्या नहीं है। नहीं, ये सवाल तो सोचने वाला है कि जब सबको पता है कि वहाँ से आए सैनिक लेकर के, फिर उन्होंने आज़ाद हिंद फौज बनाई, नारा दिए, कुछ चीजें सामने है, उसके बाद दोबारा प्लेन पे कब बैठे और क्रैश कब हुआ, ये चीज़ सारी चीज किसी के पास प्रमाण नहीं है। संदेश है, माने क्या है नहीं है, इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं। आपके पिताजी क्या करते थे? पिताजी तो ट्रेड यूनियन में करते थे, दादाजी के बाद पिताजी भी ट्रेड यूनियन से जुड़े हुए थे। अच्छा। तो दादाजी के भी बनाए हुए जो संगठन जो थे, ईस्ट इंडिया कोल कंपनी वर्कर्स यूनियन, उसी वर्कर्स यूनियन में ही ये नेता के रूप में, श्रमिक संगठन के रूप में, यानी नेता के रूप में ही काम करते थे। श्रमिकों का आंदोलन को आगे बढ़ाते थे, उन लोग का हक दिलाने के लिए वो लड़ते थे। इसके बाद धनबाद का जो टाटा का ये स्थिति आपके दादाजी और आपके पापा जी की वजह से है? नहीं, पापा जी तो बाद में, दादाजी पहले किए थे, पापा जी के समय तो धीरे धीरे। दोराब जी थे तो दोराब जी भी बहुत संस्कारी साहब ऑफिसर मन मालिक थे यहाँ पर, तो बहुत से चीज़ टाटा कंपनी, बहुत से लड़ाई लड़ने से पहले ही टाटा कंपनी दे दिया था। इसे आश्रितों को नौकरी, 8 घंटा का ड्यूटी, मेडिकल फैसिलिटी टाटा कंपनी, मैंने ये लोग को मांगना पड़ा जरूर, लेकिन वो कंपनी जो है और लोगों से पहले दे दिया। बाद में BCCL 71 में नक्सलाइज हुआ तो सरकारीकरण हुआ, तो जितने लोग थे वो सब परमानेंट हो गए, जो ठेकेदारी में काम करते थे वो सब परमानेंट हो गए। फिर वहाँ पर भी एक कानून, जो भारत सरकार के ठो कानून लागू हुआ कि 8 घंटा ड्यूटी है, इतना ड्यूटी करने के बाद अगर एक्स्ट्रा ड्यूटी करेगा तो पैसा मिलेगा, घर मिलेगा, मेडिकल फैसिलिटी, ये सब जो है। तब तक आज़ाद हो गया देश तो यूनियन का भी गठन हो गया, सब कुछ तरीके से चलने लगा। मैंने एक तरह से सोचिए कि जो भी श्रमिकों का जो भी मांग था, जो भी था, वो ऐसे नहीं मिला था। हाँ, चाहे कोई भी कंपनी हो, कोई भी संस्था हो, ऐसे नहीं मिला था, मांगना पड़ा था, वो आंदोलन के माध्यम से ही मिला था। आज जो श्रमिकों को जो सुविधा है, सब सोची कि इसके पीछे आंदोलन था, आंदोलन से ही श्रमिक को उन सब चीजों का प्राप्ति हुआ, लागू हुआ था। और जिसके लिए, मतलब कि श्रमिकों के लिए आंदोलन किया था, उसने के परिवार अपेक्षा के रूप में यहाँ पे जी रहा है। हाँ, अपेक्षित है हम लोग, अब कोई चीज हम लोग को सरकारी सुविधा अभी तक तो नहीं मिला, हम लोग इसी तरह है। अच्छा, क्या लगता है कि आपके जो दादाजी थे, ये सवाल में शुरू में था कि दादाजी जो थे वो सुभाष चंद्र बोस के पक्षधर थे, गांधी जी के नहीं थे, इसका जो है कि इस उपेक्षा का कारण ये हो सकता है, आपको लगता है? ना, ऐसे बात नहीं था उस समय, तो देखिए ऐसा सोच नहीं था। नहीं, ये मैं बोल रही हूँ इस वर्तमान समय में कि गांधी जी के सहयोगी नहीं थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के सहयोगी थे, क्या ये कारण हो सकता है कि उपेक्षा का जो शिकार हो रहे हैं आप लोग? लेकिन तो हम लोग तो बोल नहीं सकते हैं, हो सकता है उपेक्षा का ये कारण ये भी हो सकता है कि हमारे दादाजी या फिर हमारे पिताजी जो भी थे वो गरम दल के हैं, मैंने विचार धारा को रखते थे, नरम दल के नहीं थे, हो सकता है उसके कारण ही आज हमारे परिवार उपेक्षित है, ऐसे भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि दूसरों की सेवा करने में समय बीत गया, अपने लिए ध्यान नहीं दे पाए। एक तो बात है, अपने लिए तो कुछ किए ही नहीं थे। लेकिन सरकार के भी तो चाहिए ना कि जो अगर कोई आजादी की लड़ाई से जुड़ा हुआ है, यहाँ पे इतना ऐतिहासिक हेरिटेज का स्थान है, तो सरकार को भी ध्यान देना चाहिए। कांग्रेस सरकार जो थी इतने दिन तक कुछ किए नहीं, इसके बाद भी सरकार चाहिए, यहाँ पर ऐतिहासिक चीज है, गिफ्ट में साल में कुछ मिलना चाहिए था जो नहीं मिला। और अगर टाटा कंपनी के ट्रेड यूनियन थे वो, इनके दादाजी, तो उस समय तो नौकरी बहुत टाटा कंपनी में, तो बाहर से बुला बुला के, गोरखपुर से, आजमगढ़ से सब पकड़ पकड़ के ले आते थे। तो वो अपने बने वंश को, बच्चों के लिए वो ज़्यादा सोच नहीं पाए कि हम नहीं, तो बात की अभी की यूनियन है, वो अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने पोतों के लिए तक सोच लेती है कि हम अपने लिए सोच के रह गए आपके पापा जी और दादाजी, मजदूरों के भलाई के लिए, फिर हमारे पिताजी ऐसे नहीं सोचे थे गठन कि सबसे पहले मजदूरों के बात ही सोचे थे, लेकिन अपने परिवार के या बाल बच्चे के बारे में कि उनका क्या होगा, या फिर हम कंपनी से ये सुविधा लें, हमारे बेटे को नौकरी दिला दें, या फिर किसी जगह में सेट कर दें, किसी जगह में उसका दाखिला दिला दें, ऐसे कभी नहीं सोचे। ये महान लोगों का काम है, महालों का व्यक्तित्व की सेवा में उतना वो सोच कर नहीं पाए कि मैंने अपने बच्चों के लिए, अपने लिए पहले कर लें। नहीं तो उस समय क्या, जब समय हम लोग बाहर से, हमारे पिताजी आए आजमगढ़ से, यहाँ ड्यूटी पकड़े, उसके बाद हम ड्यूटी पकड़े, हमारा
बात तो ख़त्म हो गया, तो कहा इनका नहीं होता, इनके भी दादा ड्यूटी पकड़ते नहीं तो पहले लड़का को पकड़ाते, लड़का को पकड़ाते तो ये दोनों भाई यहाँ रहते, आज भी पीएफ ग्रेचुटी उठाते। आज हम दोनों भाई में किसी को कोई सुविधा नहीं, नहीं है, कुछ नहीं है। भाई वहाँ प्राइवेट में बॉम्बे में काम कर रहे हैं, हम यहाँ ट्यूशन कर रहे हैं, अपना माँ को लेके अपना परिवार गुजर बसर कर रहे हैं। नहीं हुआ आपको ना शादी? मेडिकल फैसिलिटी मिलता है, नौकरी? खाना पीना कैसे बनता है? अपने बनाते हैं। आप खुद बनाते हैं? खुद बनाते हैं। माँ तो उस पोजीशन में नहीं है, हार्ट के पेशेंट है तो उस पोजीशन में नहीं है, इसीलिए खुद अपना ही सब सारा काम हम करते हैं। हाँ, 80 से ऊपर ही हो गया उम्र। तो ये रही हमारी आज की वीडियो। हम लोग वहाँ पर आए हुए हैं जहाँ पर सुभाष चंद्र बोस जी आए थे, वहाँ पर बैठे थे। आप जो देख रहे हैं यहाँ पे मिलन कुटीर घर है उसी में, और इसी जगह पे थे, और इस एरिया में कई जगह पे आए थे जहाँ पे उन्होंने अपनी चरण धूली रखी थी। उस जगहों पे हम लोग अगर मौका मिले तो चलेंगे। और इस परिवार के जो उपेक्षा का शिकार सरकार के दृष्टि से है, इस पर आप लोग क्या कहना चाहेंगे, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या आपको भी लगता है कि इस एरिया को, इस जगह को एक हेरिटेज के रूप में विकसित किया जाना चाहिए या फिर पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जाना चाहिए? यहाँ पे लोग आए और देखें कि सुभाष चंद्र बोस जी कैसे आकर के यहाँ पे रहे थे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।